वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हर स्माइल। मनीषा फिर से स्वागत करती है आपका एक नए वीडियो के साथ। चलिए आज बनाते हैं मीठी पूरी, जिसको महाराष्ट्रीय लोग कहते हैं पूरन पूरी, हम लोग भी कह सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है बनाने में, हर स्टेट में इसको अलग अलग तरीके से खाया जाता है और बनाया जाता है। तो चलिए देर किस बात की, चलिए चलते हैं मेरे किचन में। ये चनी दाल है, इसे हमें रात भर सोख करके रख दिया था पानी में, तो ये अच्छे से फूल गई है। हमने 200 ग्राम ली है, ये फूल के और थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गर्म पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो के तब यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाली हमने 1 चम्मच हल्दी और इसमें पानी डाला लगभग 2 कप और बंद कर दिया और 4 से 5 इसमें सीटी अच्छे से बुला दी। अब अपना आटा रेडी करते हैं जब तक सीटी आती है। इसके लिए हमने लिया है 2 बाउल आटा। आप चाहे तो 1 बाउल आटा 1 बाउल मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 बाउल मैदा यूज़ कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं मेल्ट किया हुआ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। महाराष्ट्रीय लोग इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी का यूज़ भी करते हैं, वो डालते हैं मोयन के साथ और पानी डाल के धीरे धीरे इस आटे को मलते हैं और इसके बनाते हैं पराठे, जिसको कहते हैं पूरन पूरी। हम उसकी मीठी पूरी की तरह बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। हर स्टेट का थोड़ा अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग कल्चर होता है, यही तो है इंडिया। तो चलिए हम इसमें नमक नहीं डाला है हमने, हम इसके पानी डाल के इसमें डो बना लेंगे, जैसे हम पूरी का बनाते हैं सेम वही डो है। आटा हमारा मल गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से ऑयल और अच्छे से लगा के चारों तरफ इसे एक प्लेट से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इधर हमारी दाल बॉयल हो गई है, अब हम एक पैन लेंगे और इस पैन में दाल को निकाल लेंगे, पानी निथार के पानी ड्रेन करके सारी चने की दाल इसमें आ गई। और इसमें डाला अब हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर, ये पीसी इलायची है, आप चाहे तो कुटी हुई इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डाला 1 कटोरी गुड़, यानी कि 250 ग्राम गुड़। अब आप सोचें कि दाल तो है 200 ग्राम, गुड़ हमने डाल दिया 250 ग्राम, कितना मीठा हो जाएगा, खाया भी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आटा भी तो यूज़ करेंगे हम, तो आटे की वजह से इसमें गुड़ ज़्यादा नहीं होगा। गुड़ को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, टूटा हुआ गुड़ डालेंगे, मार्केट में हर तरह का गुड़ मिलता है, वो डाल के इसे धीमी गैस पे ही अच्छे से चलाएंगे और जब तक चलाएंगे तब तक ये थोड़ा वैश्ट हो जाए अच्छे से और सूख रह जाए। अभी बहुत दाल गीली है, इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चिपक ना जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक सूख गई है, आपको दिख रहा होगा। अब हमें इतना सुखाना है कि ये स्टफिंग के लिए रेडी रहे। ये देखिए काफ़ी ड्राई हो गया है, यानी कि सूख गया है, तो हमने
इसको एक बाउल में निकाल लिया है, लेकिन इसको गर्म बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। उसके बाद इसकी छोटी छोटी बॉल बना लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी बॉल्स बनेगी, कितनी आपकी पूरी बनेगी या रोटी बनेगी। ये देखिए बॉल्स बन गई हैं। अब हम आटा निकाला हमने, इसको थोड़ा सा चलाया और इसकी लोइयां बनाएंगे। लोई बनाने के बाद आप चाहे तो इसको हाथ से राउंड राउंड करके बड़ा कर सकते हैं, या आप चाहे तो बेलन से बेल के इसे थोड़ा रोटी जैसा बेल लें। हमें जो हमने पूरन बनाए थे इसको इसके अंदर रख के थोड़ा प्रेस कर देंगे, और उसके बाद जैसे हम गुजिया को साइड से फोल्ड करते हैं वैसे चारों तरफ से फोल्ड करके इसको अंदर बंद कर देंगे, और इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और उसके बाद हल्के हाथों से बेलेंगे चारों तरफ से, ताकि इसके अंदर की स्टफिंग निकले नहीं। अगर इसकी अंदर की स्टफिंग निकल गई, थोड़ा सा फट भी गया, तो आपका जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हम फिर से करके दिखा रहे हैं आपको। आपका ऐसे ही सारी बेल ली हमने पूरियाँ। अब पैन में चढ़ा ऑयल, थोड़ा गर्म होने दिया, उसके बाद अपनी डाल दी पूरी। आप चाहे तो इसे पराठा की तरह भी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, ना ज़्यादा धीमी ना ज़्यादा गर्म। अगर आप धीमी रखेंगे तो ये कड़ी कड़ी हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगी। थोड़ी हाई से मीडियम ही रखेंगे। देखिए हमारी एक तरफ से पूरी बन के तैयार हो गई है, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेक लेंगे अलट पलट करके। ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को तो अच्छी लगती ही है। तो हमारी तो सारी मनु पूरी बन के रेडी हो गई है। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। निकाल लिया हमने प्लेट में, आप चाहे तो इसे अचार के साथ खाए या यूँ ही खाए, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। देखिए अंदर गुड़ भरा है और हेल्दी भी है ये साथ में, क्योंकि गुड़ बहुत अच्छा होता है। बाकी चने दाल फाइबर और प्रोटीन से भरी होती है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।